प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है परमियबिलिटी जो था वो पढ़ रहे थे, तो परमियबिलिटी में हम लोग जो है कई सारे टेस्ट देखे थे। इसमें अगला टेस्ट है आपका हॉरिजॉन्टल कैपिलरी परमियबिलिटी टेस्ट। ये जो टेस्ट है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए जो है किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपका एक हाई लेवल से वाटर जो है यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका पानी गया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से ये गया, यहाँ पे एक ट्यूब लगा हुआ रहता है इस तरीके का, ये जो पानी है यहाँ पे आपका आ गया लेवल, और यहाँ ये तो है ओपन टू एटमोसफियर होता है, मतलब ये एटमोसफियर मतलब एयर का प्रेशर जो है आपका यहाँ पर अप्लाई होता है, और ये जो डिस्टेंस है सॉयल सैंपल का ए बी, ये आपका एक्स दिया गया है। तो एच नोट आपका टोटल हाइट हो गया, यहाँ पे एच सी हो गया, और जो सॉयल सैंपल है वो आपका एक्स होता है, और टोटल जो लेंथ होता है वो होता है आपका 35 सेंटीमीटर, यानी सॉयल सैंपल का बाद का जो एरिया बचेगा वो 35 माइनस एक्स आएगा, जो कि ओपन टू एटमोसफेयर हमारा होता है। तो जो डिस्टेंस दिया गया है जो कि ट्रैवल किया जाएगा वाटर के द्वारा वो आपका एक है इन टाइम टी, एंड अवेलेबल हेड एट पॉइंट ए जो है एच नोट है, और अवेलेबल हेड एट पॉइंट बी माइनस एच सी है। तो जो फ्लो अकर होगा अंडर द हेड डिफरेंस एच नोट प्लस एच सी, तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आएगा एच सी प्लस एच नोट बाई एक्स, एंड सीपेज वेलोसिटी वी एस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाई एन एस, यहाँ पे एन एस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के यू इन टू आई, तो एन एस इंटीग्रेशन एक्स वन टू एक्स टू डी एक्स इज इक्वल टू के यू इंटीग्रेशन टी वन टू टी टू डी टी इन टू एच नोट प्लस एच सी। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन का टी वन इज इक्वल टू टू के यू बाई एन एस इन टू एच नोट प्लस एन एच नोट प्लस एच सी। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा जो कि हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल लीन जो है निकालते हैं जो परमेबिलिटी होता है उस टेस्ट की मदद से। टोटल स्ट्रेस मान कर चलो कि एक ग्राउंड लेवल है, ये मान कर चलो यहाँ पे एक सॉयल सैंपल खोद के निकाल रहे हैं जो कि डेप्थ है जेड से, यहाँ पे ये ए सैंपल है, वेट जो है वाई इन टू वी, एंड तो वेट इज इक्वल टू आ जाएगा गामा इन टू ए इन टू जेड, एंड यूनिट वेट गामा, और वॉल्यूम वी इज इक्वल टू ए इन टू जेड। तो टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा वेट बाई एरिया, क्या होता है टोटल स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू वेट बाई एरिया, तो सिग्मा इज इक्वल टू गामा इंटू ए इंटू जेड बाई ए, तो गामा इंटू जेड इज इक्वल टू सिग्मा, यानी सिग्मा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे गामा इंटू जेड, तो यूनिट हो जाएगा आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पोर वाटर प्रेशर म्यू इज इक्वल टू एच गामा डब्ल्यू, जो कि न्यूटन पर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर 1000 केजी पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका होता है। तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा जेड इंटू गामा डब्ल्यू, जेड इंटू गामा डब्ल्यू, ये जेड है और यहाँ पे जो है गामा डब्ल्यू आ जाएगा, तो जेड इंटू गामा W हमारा जो है आ जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है एज पर टर्जागी जो कि 1936 के द्वारा दिया गया था, इफेक्टिव स्ट्रेस को सिग्मा बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा माइनस म्यू, यानी टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर को अगर माइनस करते हैं तो हमारा जो है इफेक्टिव स्ट्रेस जो है निकल कर आता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज द प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया ऑफ सॉयल सॉलिड, जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है सॉयल सॉलिड्स का वो आपका होता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल कॉन्टैक्ट एरिया।
इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है वो होता है आपका टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल कॉन्टैक्ट एरिया। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें लैम्बे एंड विटमैन 1969 के हिसाब से, तो पी जो होता है सेल्फ वेट होता है और एस यानी जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो हमारा एक होता है। तो जो टोटल वेट होगा पी वो हमारा हो जाएगा लोड टेकन बाई सॉइल सॉलिड थ्रू देयर कॉन्टैक्ट एरिया प्लस लोड टेकन बाई पोर वाटर, है ना, जो लोड लिया गया है पोर वाटर के द्वारा, और प्लस जो लोड हमारा कॉन्टैक्ट एरिया के कारण से आया है। तो एफ सी इज इक्वल टू एफ सी वन प्लस एफ सी टू प्लस डॉट 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 एफ सी एन। तो एफ सी जो होता है समेशन ऑफ एफ सी होता है, सो पी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ सी प्लस म्यू ए इन माइनस ए सी। तो यहाँ से हम पी इज इक्वल टू जो कि सेल्फ वेट है, तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू निकालेंगे एफ सी बाई ए प्लस म्यू, तो सिग्मा बार इज इक्वल टू आ जाएगा एफ सी बाई ए। तो यहाँ पे इक्वेशन वन एफ सी बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा माइनस म्यू इक्वेशन वन, और सिग्मा बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा माइनस म्यू। अगर इन दोनों को हम यहाँ पे इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से लेंगे तो सिग्मा बार इज इक्वल टू आ जाएगा एफ सी बाई ए। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल। तो ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस जो है आपका होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। क्या बात करेंगे? एनालिसिस ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। तो केस वन दिया गया है नो वाटर यानी ड्राई सॉइल। अगर पानी नहीं है, मान कर चलो कि ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे ये जो है एक सेक्शन है जहाँ पे जेड इसका डेप्थ है, डेप्थ क्या है जेड है, और यहाँ पे कोई भी पानी जो है हमारा अवेलेबल नहीं है। तो हमारा सेक्शन वन वन पे अगर देखें तो सिग्मा वन वन आ जाएगा जीरो, पोर वाटर प्रेशर जो है वन वन सेक्शन पे जीरो, और इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वन वन सेक्शन पे जीरो, और सिग्मा टू टू मतलब सिग्मा सेक्शन टू टू पे आ जाएगा गामा जेड, और पोर वाटर प्रेशर जीरो, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा गामा जेड। क्या आ जाएगा? गामा जेड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ये फॉर्मूला हमारा होता है। केस टू, केस टू दूसरा केस कहता है कि अगर वाटर टेबल कोई डेप्थ पे प्रेजेंट है तो। तो देखो अगर मान कर चलो कि ये सेक्शन टू टू है, यहाँ पे जो है आपका वाटर जो है प्रेजेंट है, तो जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है उसके नीचे का सॉइल का लेयर जो है सैचुरेटेड होगा, तो गामा सैचुरेटेड, और उसके ऊपर जो है ड्राई कंडीशंस होगा, तो जेड वन हो गया, जेड टू हो गया, सेक्शन थ्री सेक्शन टू और सेक्शन वन, और टोटल डेप्थ जो है जेड है। तो सिग्मा वन वन आ जाएगा जीरो, म्यू वन वन आ जाएगा जीरो, सिग्मा बार वन वन आ जाएगा जीरो, सिग्मा टू टू आ जाएगा गामा डी इंटू जेड वन, पोर वाटर प्रेशर एट सेक्शन टू टू आ जाएगा हमारा जीरो, और इफेक्टिव स्ट्रेस एट सेक्शन टू टू आ जाएगा गामा डी इंटू जेड वन, सिग्मा थ्री थ्री यानी सेक्शन थ्री थ्री पे गामा डी जेड वन प्लस गामा सेचुरेटेड जेड टू, पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा गामा डब्ल्यू जेड टू, एंड इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा हमारा जेड गामा डी जेड वन प्लस गामा सेचुरेटेड जेड टू माइनस गामा डब्लू जेड टू। तो ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा, यानी वाटर टेबल कहाँ प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो हमारा चेंज होगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि सैचुरेट गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू आज होता है हमारा गामा सबमर्ज, तो गामा डी जेड वन प्लस गामा सब जेड
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा अगर किसी भी डेप्थ पे हमारा अगर वाटर जो है प्रेजेंट है सॉयल के सैंपल में या सॉयल सैंपल में तब। और केस थ्री, जब वाटर टेबल जो है सरफेस पे हमारा आ जाए तो उस कंडीशन में सिग्मा 11 इज इक्वल टू 0, म्यू 11 इज इक्वल टू 0 और सिग्मा बार 11 इज इक्वल टू 0, यानी सेक्शन 1 पे हमारा टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस तीनों जो है हमारा 0 होगा। वही अगर सेक्शन 22 पे बात किया जाए तो देखो सेक्शन 11 यानी यहाँ पे वाटर हमारा सरफेस पे अवेलेबल है तो नीचे जो है गामा सैचुरेटेड हमारा आ जाएगा, तो सिग्मा 22 आ जाएगा गामा सैचुरेटेड जेड, पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू जेड और तो इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा गामा सैचुरेटेड माइनस इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड, तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू ये हमारा होता है गामा सबमर्ज्ड, तो गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड ये जो है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा। क्या आएगा? इफेक्टिव स्ट्रेस जो है हमारा आएगा। केस नंबर फोर, अगर वाटर टेबल जो ग्राउंड सरफेस है उससे भी ऊपर चला जाए तो हमारा सिग्मा 11 इज इक्वल टू 0, म्यू 11 इज इक्वल टू 0 और सिग्मा बार 11 इज इक्वल टू 0, यानी सेक्शन 11 पे जहाँ पे वाटर टेबल प्रेजेंट है वहाँ का टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस तीनों 0 होगा। लेकिन उस सेक्शन के जस्ट नीचे वाला अगर पार्ट पे हम बात किया जाए तो हमारा आएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी अवेलेबल है, तो सिग्मा 22 इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच, म्यू 22 इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा क्योंकि ये भी पूरा है, दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो सिग्मा 33 पे अगर बात किया जाए तो गामा डब्ल्यू इंटू एच प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू एच प्लस जेड, तो म्यू 33 आ जाएगा यानी पोर वाटर प्रेशर एट सेक्शन 33 हमारा आ जाएगा कि गामा डब्ल्यू इंटू एच प्लस गामा डब्ल्यू इंटू जेड, तो गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू हमारा होता है गामा समर्ज्ड, तो गामा समर्ज्ड इंटू जेड आ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस एट सेक्शन 33 सेक्शंस पे हमारा जो है ये आपका आएगा। ओके, नाउ नोट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि इन रिवर में ओशियंस सी इफ वाटर टेबल इज वेरिंग, देखो चाहे नदी हो, समुंदर हो या महासागर हो, उसमें अगर वाटर टेबल जो है वैरी करता है तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो हमेशा सेम होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस रिमेंस सेम, हमेशा सेम आपका होता है, कोई चेंजेस वहाँ पे नहीं होता है। सॉयल वाटर, टाइप्स ऑफ सॉयल वाटर अगर बात किया जाए तो सबसे पहला आपका आता है ग्राउंड वाटर। क्या आता है? ग्राउंड वाटर इट इज़ अ सम सरफेस वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है ये सब सरफेस वाटर होता है, डैट फिल्स द वॉइड ऑफ सॉयल बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल जो भी सॉयल्स के में वॉइड्स होते हैं उसको क्या कर देता है, भर देता है, तो उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। ये जो वाटर होता है ये सब्जेक्टेड होता है टू नन फोर्स, कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं होता है अदर देन ग्रेविटी, ग्रेविटी के अलावा कोई भी फोर्स इस पे एक्ट नहीं होता है ग्राउंड वाटर पे। इट ओबेज द लॉ ऑफ हाइड्रोलिक्स, ये जो लॉ ऑफ हाइड्रोलिक्स को पालन करता है, एंड इज कैपेबल ऑफ मूविंग अंडर हाइड्रोडायनेमिक फोर्स, और ये जो वाटर होता है ये एक्ट करता है, कैपेबल होता है मूव अंडर हाइड्रोडायनेमिक फोर्स के अंतर्गत। एडजॉर्ब्ड वाटर, क्या होता है? एडजॉर्ब्ड वाटर, दिस वाटर इज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ सॉयल, सॉयल के सरफेस या सॉयल सॉलिड्स के जो सरफेस होता है उसके ऊपर जो है ये आपका पाया जाता है,
और इसको जो है दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर एक ऐसा वाटर होता है जो कि एडजॉर्ब किया जाता है सॉयल सॉलिड के द्वारा फ्रॉम द एटमोसफियर एंड इज रिटेन्ड ओवर द सर्फेस ऑफ सॉलिड बाई फिजिकल अट्रैक्शन फोर्स ऑफ एडहेशन। जो फिजिकल अट्रैक्शन फोर्स ऑफ एडहेशन होता है उससे वो बंधा हुआ होता है और सॉयल सॉलिड्स के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है। दिस वाटर इज टाइटली हेल्ड बाई द सॉलिड, देयर फोर दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। और ये जो पानी होता है हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर होता है ये आपका जो है क्या होता है अवेलेबल नहीं होता है आपका फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट के ग्रोथ के लिए ये जो है पानी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। दिस वाटर एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। दिस वाटर एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ सॉयल सॉलिड। सॉयल सॉलिड के ऊपर जो है डिपेंड करता है। द सरफेस एरिया ऑफ फाइन ग्रेन सॉयल इज मोर देन कोर्स ग्रेन सॉयल। जो सरफेस एरिया होता है फाइन ग्रेन सॉयल का वो ज़्यादा होता है ना, मोर देन होता है कोर्स ग्रेन सॉयल के। देयरफॉर क्ले सिल्ट सैंड एडजॉर्ब्स अप्रोक्सीमेटली 16-17%, 6-7% और 1% ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। फिल्म वाटर। फिल्म वाटर ये फॉर्म होता है ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ एक्वस वेपर। जो एक्वस वेपर का कंडेंसेशन होता है ओवर द फिल्म ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो हमारा फिल्म वाटर का फॉर्मेशन होता है। जो प्रॉपर्टी होता है फिल्म वाटर का आर इंटरमीडिएट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल वाटर, है ना, नॉर्मल वाटर के जैसा ही प्रॉपर्टी होता है एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर के जैसा प्रॉपर्टी जो होता है हमारा फिल्म वाटर का जो प्रॉपर्टी होता है नॉर्मल वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर दोनों के बीच में लाई जो है हमारा करता है। स्ट्रक्चरल वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर जो है ये आपका केमिकली कंबाइंड होता है जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है सॉइल को प्रोवाइड करता है मिनरल्स को एंड इट कैन नॉट बी रिमूव्ड विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड। सॉइल सॉलिड को डिस्ट्रक्ट किए बिना जो स्ट्रक्चरल वाटर रहता है उसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। टू रिमूव स्ट्रक्चरल वाटर, अगर स्ट्रक्चरल वाटर को हमें रिमूव करना है तो सॉइल का जो सैंपल होता है उसको 110 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो है हमें हीट करना पड़ता है तब जाकर जो है स्ट्रक्चरल वाटर ख़त्म हो पाता है। जो स्ट्रक्चरल वाटर होता है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है बिकॉज अंडर द नॉर्मल इंजीनियरिंग एक्टिविटी के कारण से एंड इट इज़ नॉट रिमूव्ड, और इसको रिमूव्ड नहीं किया जाता है। कैपिलरी वाटर, वैसा वाटर जो कि लिफ्ट किया जाता है एवव द ग्राउंड वाटर टेबल बाई सरफेस टेंशन के कारण से तो उसको कैपिलरी वाटर कहते हैं। यहाँ पे आपको फिगर जो है दिया गया है इसको एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हो। ये ऊपर का जो है फिल्म वाटर है उसके अंदर जो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर और उससे भी अंदर जो है सॉइल सॉलिड्स है और सबसे अंदर जो है स्ट्रक्चरल वाटर है। यानी सॉइल सॉलिड के अंदर जो पानी होता है वह स्ट्रक्चरल वाटर होता है और दो सॉइल सॉलिड के बीच में जो पानी हमारा आ जाता है उसको पोर वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर वाटर कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग टर्म्स जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताए वो आपका जो है होता है। यहाँ पे बात करेंगे कैपिलरिटी के बारे में लेकिन अगली वीडियो में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैपिलरिटी के बारे में अगली वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से डिटेल में जो है डिस्कशन करेंगे।